इसका वीडियो भी हम आज ही अपलोड कर देंगे आप लोग को और लिंक भी शेयर कर देंगे। तो न्यूक्लियर फेलिसिटी में अभी हम लोगों ने तीन बातों पे ध्यान दिया। पहला नंबर चार्ज डेंसिटी, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा पोलराइजेशन पोलराइजेबिलिटी और तीसरे नंबर पे देखा स्टेरिक प्रॉब्लम। मतलब न्यूक्लियर फेलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी एंड न्यूक्लियर फेलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी एंड न्यूक्लियर फेलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/स्टेरिक प्रॉब्लम। कंसेप्ट ये हुआ कि यहाँ चार्ज डेंसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज्यादा। पोलराइजेशन ज्यादा हो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक प्रॉब्लम। अब इन तीनों पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस आए भी हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। अब जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल, पहला नंबर CH3 - NH2 - OH - F न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है। दूसरे नंबर पे अब यहां SiH3 - PH2 - SH- और हमारे पास Cl- तीसरे नंबर पे फ्लोराइड, इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पे हम लोग देख रहे हैं फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड। चौथे नंबर पे OH- SH-, पांचवें नंबर पे कार्बोक्सिलेट फिनोक्साइड और हाइड्रोक्साइड, छठे नंबर पे कार्बोक्सिलेट सल्फोनेट, सातवें नंबर पे हाइड्रोक्साइड वाटर, आठवें नंबर पे अमाइड अमोनिया, नाइन नंबर पे CF3SO3- HCl-. अब अगर हमसे कोई कह दिया और भी दस नंबर पे अमाइड और डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, अब अगर अपने से कोई सवाल पूछे इन सभी के न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा तो अपना जवाब क्या है। ये सभी सेम पीरियड के एटम है,
देखे भी रहता है क्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन, नेगेटिव चार्ज सब में कॉमन है। तो दो बातें निकल के आ रही है, पोलराइजेशन इधर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर, तो अटैक करने की क्षमता भी घट रही है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता इधर बढ़ रही है, मतलब अटैक करने की क्षमता भी ज्यादा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा, तो ऑर्डर ही सेम अप्रोच हम यहां लगाएंगे सिलाइड फॉस्फाइड सल्फाइड एंड क्लोराइड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ रही है और पोलराइजेशन इधर बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास दिस इज ग्रेटर देन दिस देन दिस। क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आ रहा है, यह ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ये अगर हम एक्वस मानते हैं तो पानी के अंदर में इसका हाइड्रेशन हो गया ज्यादा, इसके चार्ज वाटर पे बट गए, आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गर, ध्यान देना ये कहां एक्वस में, अगर हम नॉन एक्वस की बात करें कंसेप्ट इज अपोजिट, फ्लोराइड जाता होगा देन क्लोराइड देन ब्रोमाइड देन, रिमेंबर माय वर्ड कंफ्यूजन एरिया, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फ्लोराइड तो एक्वस मानेंगे, आप कहोगे क्यों मानेंगे, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है तो कन्वेंशन वही है कि नहीं लिखा रहे तो हम उसे एक्वस मानेंगे, और अगर नॉन एक्वस लिखा हुआ है एप्रोटिक लिखा हुआ है बिना प्रोटॉन वाला सॉल्वेंट तो इस केस में फ्लोराइड का ज्यादा देन क्लोराइड देन ब्रोमाइड देन आयोडाइड। फोर्थ हाइड्रोक्साइड एंड SH माइनस, तो पोलराइजेशन SH माइनस ज्यादा होता है। इस 10 नंबर में अमाइड एंड डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, इन दोनों में अमाइड ज्यादा, और अमाइड इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन दिस, रीजन ये स्टेरिक क्राउडिंग जो है, इन क्राउडिंग के कारण जब ये कार्बन के घर में लड़ने जाएंगे तो ये जो लड़ने के लिए गए हैं ये पहले ही लड़ जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा और इस कारण से ये कमजोर है पुअर है। पांच नंबर में कार्बोक्सिलेट फिनोक्साइड हाइड्रोक्साइड, द आंसर इज हाइड्रोक्साइड इज बेटर देन फिनोक्साइड देन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट में निगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे बढ़ गया और फिनोक्साइड में निगेटिव चार्ज कहाँ बढ़ रहा है तो कार्बन पे बढ़ रहा है और हाइड्रोक्साइड में निगेटिव चार्ज इसका, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा है OH- माइनस में ही ज्यादा है देन दिस। सेम अप्रोच अगर कार्बोक्सिलेट और सल्फोनेट है तो कार्बोक्सिलेट इज बेटर, क्यों, सल्फोनेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गया, कार्बोक्सिलेट में दो एटम ऑक्सीजन पर बढ़ रहा है निगेटिव चार्ज और सल्फोनेट में तीन एटम पर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां घट गई, तो अटैकिंग स्पेसिस कौन है, या ध्यान देना अटैकिंग दोनों ऑक्सीजन है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे घट गई तो कार्बोक्सिलेट इज बेटर देन सल्फोनेट। हाइड्रोक्साइड एंड वाटर तो ऑब्वियस है कि लोन पेयर है, यहां भी दो लोन पेयर है यहां भी तीन लोन पेयर है, लोन पेयर मानी जाए तो माइनस निगेटिव, अमाइड एंड अमोनिया तो अमाइड इज बेटर देन अमोनिया, CF3SO3 माइनस CO2 माइनस तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया SO3 माइनस तो कमजोर होगा ही ऊपर से CF3 तो और कमजोर, कि जब भी हमें कंपेयर करना न्यूक्लियोफिलिसिटी तो अपने पास ये तीन बेसिक कंसेप्ट, रिमाइंड माय वर्ड मैं फिर कह रहा हूं, यहां से नाउ ऑनवर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का हर किसी को इच्छा तो होती है, लोग पढ़ते नहीं,
अभी तक खूब पढ़ेंगे, पूरा राइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर 2 महीना पढ़ेंगे, और उसके बाद पूरा जीओसी 1-2 तक भी खूब ताकत लगाएंगे, लेकिन यहां से पढ़ने की किस्मत और पढ़ भी लिया किसी तरीके से तो क्वेश्चन खुद नहीं बनेंगे, ये बात दिमाग में रखना। आपके अभी आज तक जितने भी आपके सीनियर्स हैं, जितने लोग जो आगे गए, उन लोगों को बहुत संभाल संभाल के मैंने यहां से बहुत ढंग से, इतना आसान नहीं है ऑर्गेनिक पढ़ा लेना रिएक्शन में, और बच्चों के मोमेंटम को बदला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत धीरे धीरे एकदम बिल्कुल चबा चबा के एक एक लाइन उसको एडजस्ट करो। अभी हम लोगों ने तो अब मैं फिर इसको समराइज कर, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अब मैं तुमको बता रहा हूं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज। रिएक्शन की शुरुआत ऑर्गेनिक में सोचने का सबसे पहला जो शुरुआत होगा मैकेनिज्म में सोचने का, वो यही से होगा, यही से आपके दिमाग में आइडियाज डेवलप करने लगेंगे कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। और जब तक ऑर्गेनिक में आपके दिमाग में आइडिया नहीं डेवलप होगा, ऑर्गेनिक आपका है ही नहीं। अब How these reaction process? एक छोटा सा क्वेश्चन, इथिलीन प्लस, यह हमारे पास छोटा सा रिएक्शन है कि इथिलीन के साथ मान लिया जाए कि इथिलीन के साथ साथ हमने यहां पर क्या डाल दिया, एल स्मॉल, देन व्हाट, क्वेश्चन नंबर, एसिटाल्डिहाइड प्लस एच प्लस प्लस एल माइनस एच, एस्टाल्डिहाइड में हमने डाइल्यूट एसिड डाला, या देन व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने क्या किया कि पहले हमने लिया एक टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसमें डाल दिया सिंपल नाइट्रेट एक्वस। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमने रिएक्शन करा दिया बेंजीन को, लेट क्या क्या होने वाला है यहां पे हम बताएंगे क्या। जस्ट मैं तुम्हारे, मैं फिर बात बता रहा हूं ये क्या है, न तो इसके ऊपर कोई किताब लिखी गई कि ऑर्गेनिक पढ़ाना कैसे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिफिनेशन, डिफिनेशन से कुछ नहीं होता बेटा ऑर्गेनिक में, सर दुनिया एक ही लाइन कहते हैं कि फीलिंग नहीं आता, फीलिंग नहीं आता, वो देखो फीलिंग कैसे आता, उसके लिए क्या करना पड़ता है। अब इस केस को हाउ डिज रिएक्शन, हमारे पास मैं फिर इसीलिए बता रहा हूं, अपने को जो पढ़ा हमने, हम कुछ भी अगर कहीं रिएक्शन मिला तो अपने फ्रेम में 4 बातें दिमाग में लाओ, कोई इलेक्ट्रोफाइल है क्या, कोई न्यूक्लियोफाइल है क्या, कोई एसिड है क्या, कोई बेस है क्या, रिएक्शन यही आपके बीच में होती है। अगर तुम इसको मार्क कर पाओगे,
यहां देखो कहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब सिंपल है, कोई लड़ने को यहां बैठा नहीं है, कोई चाकू लेकर नहीं बैठा हुआ है, ये दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हाँ, इसकी एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, क्यों? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका डिमांड ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा है। ये कैसा काम करेगा? तो अब हम देखेंगे दूसरी ओर कि इधर कुछ न्यूक्लियोफाइल है क्या? यहां तुम देखो कहीं लोन पेयर दिख रहा है? नहीं है। तो यहां पर क्या दिख रहा है? पाई बॉन्ड। This will attack on the bond. तो अगर यहां कुछ होने वाला है तो क्या होने वाला है? ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक साइड से इसको चाहिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दे देगा, ये बना देगा CH2+CH2AlCl3-। अगर ये रिएक्शन शुरू होगा तो ऐसा होगा, सेम कंसेप्ट। अब यहां ध्यान, CH3+ सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट है, पोलर बॉन्ड नहीं है, अपने आप बॉन्ड टूटता नहीं है। आप लोगों को मैंने इतनी कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाई है, आपको मालूम है कि दीज बॉन्ड्स आर नॉट, अपने आप नहीं टूटने वाला है। और यहां क्या है? H+ and Cl, इन दोनों में क्या है, कहां ज्यादा कहां कम, क्या होने वाला है? Cl- H+ Cl- पानी में हाइड्रेट होके स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये रिएक्शन में नहीं लड़ने जा रहा। हाँ, H+ भूखा है, ये चक्कर में आए कि कहीं हमको अच्छा इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो हियर वी हैव लोन पेयर, यहाँ कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीजन पे। तो कौन सा कंसेप्ट कहेंगे? एसिड बेस। यहाँ क्या हो गया हमारे पास? CH3C=OH+। अगर कुछ होगा तो रिएक्शन ऐसा होगा। ये कौन सा रिएक्शन? ये कौन सा रिएक्शन? अभी थर्ड केस, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट डाल दिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिल्वर तो भाई उसको क्लोराइड चाहिए, पिछले क्लास में भी बताया था। तो अब क्या हो गया? तो यहां पर जब सिल्वर लेके चला गया क्लोराइड को, तो नाउ वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन। और इस कैटायन को हम क्या कहेंगे? अब आप बताइए जल्दी, क्या कहने वाले हो? इलेक्ट्रोफाइल। और अब इसके पास ये तो न्यूट्रल हो गया, नाइट्रेट इज स्टेबल। अब आगे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, अगला अटैक यहां होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें, मैं इस तरह से आपके लिए कुछ और क्वेश्चन का पूरा एक सेट बनाऊंगा, एक पूरी पेज बनाऊंगा, 10-20 एग्जांपल दूंगा कि आप उसको अपने से प्रोसीड करना। सोचना कैसे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में बाकी सारी बातों को बंद करो। अगर जिस दिन तुमको समझ में आ गया कि ऐसे सोचना है, ऐसे फील करना है, दिस इज फीलिंग, और इसी के लिए सारी दुनिया मरते जा रही है कि ऑर्गेनिक में तो फील नहीं होता, टीचर तो हटा देता। अगर फील चाहते हो तो मैं फिर कर रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं, ज्यादा सब नहीं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एसिड और बेस पर फोकस करो। आज के क्लास में मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डिस्कस कर दिया, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियर प्रिंसिपल को डिस्कस की। अब इसमें एक टर्म और बाकी है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, जिसको न्यूक्लियोफिजिलिटी भी कहते हैं। अगले क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियोफिजिलिटी और सॉल्वेंट के बारे में। पहले भी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा है, प्रोटिक इलेक्ट्रोटिक एक बार और यहाँ पढ़ लेंगे, और तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस है। तो आज के लिए इतना काफी है और ठीक है। और तुम लोग को टीचर्स डे के ढेर सारी शुभकामनाएं।
और बस लगातार